नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि साबरमती बोटाट का जो सियारा से संपन्न हो चुका है, अब यहाँ पर ट्रेनों को चलाने को लेकर जो है बड़ी बड़ी अपडेट जो है सामने निकलकर लगातार आ रही है। ऐसे में चार ट्रेनों को जो है मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से कुछ ट्रेनें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सभी जो ट्रेनें होने वाली है मार्च महीने के पहले ही सप्ताह में जो है शुरू रेलवे जो है करेगा। साबरमती बोटाट रूट पर ये जो सभी ट्रेनें हैं, चार ट्रेनें चलने वाली है, और ये सभी जो ट्रेनें हैं मार्च महीने के पहले सप्ताह में जो है रेलवे शुरू करने वाला है। क्योंकि साबरमती बोटाट का जो सियारा से संपन्न हो चुका है और ट्रेनों को चलाने को लेकर हरी झंडी जो है निकाली भी जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं पूरी चार ट्रेनें जो इस रूट से होकर जो है गुजरने वाली है। इन सभी चार ट्रेनों की लिस्ट में अगर पहली ट्रेन की बात करा जाए तो वह रहने वाली है बोटाट से लेकर अहमदाबाद के बीच में एक ट्रेन की जो है शुरुआत की जा सकती है। इस ट्रेन को चलाने को लेकर पहले भी जो है काफ़ी बार जो है प्रयास किया गया है, जिसमें से बोटाट से अहमदाबाद जाने के लिए और अहमदाबाद से बोटाट में आने के लिए जो है नई ट्रेन स्टार्ट की जा सकती है। इसके अलावा साबरमती से सोमनाथ के बीच में एक नई ट्रेन की शुरुआत जो है की जाना चाहिए। और ये जो ट्रेन रहने वाली है सोमनाथ वीरवाल के नाम पर जो है चलेगी। इसके अलावा जो तीसरे नंबर की ट्रेन रहने वाली है वह भावनगर से हरिद्वार के बीच में भी ट्रेन को शुरू करने की जो है बात जो है की जा रही है। और ये ट्रेन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वहाँ के यात्रियों के लिए। और ये जो ट्रेन है साबरमती से बोटाट के बीच में जो है चलने वाली है। इसके अलावा भावनगर से अजमेर के बीच में भी ट्रेनों को स्टार्ट करने की लगातार जो है मांग जो है देखी जा रही है। और यह जो ट्रेन है इसको भी रेलवे जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली है। तो दोस्तों, साबरमती से बोटाट का जो सियारा से संपन्न हो चुका है और यह जो सियारा से ट्रेनों के परिचालन को लेकर उपयुक्त भी बताया जा रहा है। और यह जो सियारा से पूरा तरह से कम्प्लीट हुआ है, सम्पन्न हुआ है, अब यहाँ पर जो है ट्रेनों को हरी झंडी जो है रेलवे की तरफ से दिखाई जाने वाली है मार्च के पहले ही सप्ताह में। तो दोस्तों, कुछ यह ट्रेनें थी जो कि रेलवे जो है इनका ऑफिशियल लेटर जो है बहुत ही जल्द जो है जारी करने वाला है। हालांकि साबरमती से बोटाट का पूरा रोड जो है ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हो चुका है, सीआरएस भी हो चुका है, संपन्न भी हो चुका है। जब यहां पर जो है मीटर गज हुआ करता था उस समय अहमदाबाद से वेरावल सोमनाथ मिल जो है चला करती थी। और इसके अलावा अहमदाबाद से पोरबंदर गांधीग्राम एक्सप्रेस भी जो है चला करती थी। और ये जो ट्रेनें हैं दोनों ही ट्रेनें उस वक्त की रेपुटेड ट्रेनें जो है मानी जाती थी। और ये दोनों ट्रेनें जो थी वहाँ की लाइफलाइन थी। हालांकि इसको जो है रूट के परिवर्तन के समय बंद कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, ये जो ट्रेनें हैं रेलवे इस पर जो है चलाने को लेकर विचार भी कर रहा है। और आने वाले समय पर आपको जो है इस ट्रेनों के बारे में भी जो है बहुत अच्छी गुड न्यूज जो है मिलने वाली है, जिसमें से अहमदाबाद से वेरावल सोमनाथ मेल, उसके अलावा अहमदाबाद से पोरबंदर गांधीग्राम एक्सप्रेस भी जो है स्टार्ट हो सकती है। और इसके अलावा एक काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि आज के दिन से बोटाट से गांधीग्राम ट्रेन जो है चालू हो रही है कि नहीं चालू हो रही है। इस पर कुछ बड़ा अपडेट अभी तक आया नहीं है। हालांकि जो ट्रेनें स्टार्ट होने की जो डेट बताई जा रही है वह मार्च महीने के पहले सप्ताह से यहाँ पर जो ट्रेनें हैं स्टार्ट की जाएगी। तो अभी तक दोस्तों इस रूट पर जो है किसी तरह का ऑफिशियल लेटर जो है रेलवे के द्वारा जारी नहीं किया गया है। हालाँकि जो ट्रेनें की लिस्ट है उस पर जो है रेलवे विचार कर रहा है और अलग अलग जो ट्रेनें हैं उनके जो लिस्ट है उसको बनाने का काम भी जो है रेलवे ने शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है ऑफिशियल लेटर जारी करके कुछ ट्रेनों को जो है चलाया जाएगा, क्योंकि रूट जो है संपन्न हो चुका है और मार्च के महीने में रेलवे यहाँ पर ट्रेनों का संचालन जो है आम यात्रियों के लिए जो है शुरू करने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे को सब्सक्राइब एंड लाइक करना फ्रेंड्स ना भूलेगा। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन जाकर जरूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।